हाँ सभी छात्र छात्रा सुने, द लॉस्ट यार्ड वाली कहानी का ये दूसरा प्रश्न है। जब बालक मेले में खो गया था तो वह जो जेंटलमैन था वह बालक को सारी चीजों को ऑफर कर रहा था, वह किसी को नहीं ले रहा था। वह अंत में क्या चाहता था? वह अंत में अपने माता पिता को ही चाहता। देखें तो मैंने कर दिया है, व्हाट इज द चाइल्ड फाइनली वांट, बालक अंतोगत्वा क्या चाहता था इन द स्टोरी द लॉस्ट यार्ड, द लॉस्ट यार्ड वाली कहानी में। तो पहले हम करके लिखेंगे द चाइल्ड अपडेट, द चाइल्ड फिर आ जाएगा फाइनली अपडेट काटेंगे, पास्ट का है तो पास्ट में उतर जाएगा, इंटरोगेटिव में डेटा आता है लेकिन अब अफर्मेटिव बनाएंगे तो डेटा हटेगा, उसकी सेकंड फॉर्म आ जाती है वांटेड, वी टू आ गई इन द स्टोरी पूरा। और यहाँ कर देंगे दैट, व्हाट वाला का कर देंगे दैट, ही सेड, ही सेड वह कहता था, क्या कहता था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। वह अंत में यही कहता था, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। अब हमें देखना है कि इसके 30 शब्द हो जाने चाहिए प्रत्येक प्रश्न के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो पाए, 10 शब्दों की और आवश्यकता है। तो इसी कहानी से जुड़ी हुई बातों को आप लिख देंगे, प्रश्न का यानी प्रश्न का उत्तर अच्छे से हो जाए और शब्द कम पड़ रहे हैं तो इसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं अपनी ओर से लिख सकते हैं। हम लिख देंगे बालक रो रहा था, अब अपने माता पिता को खोज रहा था, द चाइल्ड वाज बीपिंग, बालक रो रहा था, वह अपने माता पिता को खोज रहा था, तो ही वाज सर्चिंग हिज पेरेंट्स, ही वाज सर्चिंग हिज पेरेंट्स। अगर आप इस तरह से मेरे प्रश्न लिख रहे हैं नोटबुक पर आप कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू।